बेगूसराय जिले के चेहिया बरियारपुर बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से नदी की धारा उफान की ओर अग्रसर है, जो कभी भी अपनी दिशा बदल सकती है। फलतः खौफ के साए में क्षेत्रवासी हलकान नजर आने लगे हैं। चारों तरफ सहमा हुआ माहौल दिख रहा है। नदी के बाएं तटबंध में कई स्थानों पर खतरा बना हुआ है। क्षेत्र के पबरा, छर्रापट्टी एवं विक्रमपुर गांव में तटबंध से रिसाव देख ग्रामीणों ने बाढ़ नियंत्रण विभाग को सूचना दी। सूचना पर विभाग के कनीय अभियंता संतोष कुमार स्थल पर पहुंचे तथा स्थल पर दोनों ओर निरोधात्मक कार्य में जुट गए हैं। वह रिसाव होने की खबर फैलते ही लोगों में खौफ की सर्द लहर व्याप्त हो गया है। सनद रहे कि 2 अगस्त 2007 की रात्रि में आई बसहे की त्रासदी का जख्म झेल चुके क्षेत्रवासी को सिर्फ इस बात का सुकून है कि वर्तमान में नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि होने के बाद भी ये उस वर्ष के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। लोग सहमे जरूर हैं, किंतु नदी में बसही त्रासदी जितना अभी पानी नहीं होने से लोग निरोधात्मक कार्यों के प्रति थोड़े से आश्वस्त दिख रहे हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो जलस्तर में वृद्धि की रफ्तार भी थोड़ी धीमा पड़ गई है। इधर बारिश से राहत मिलने के बाद ग्रामीण निरोधात्मक कार्य युद्ध स्तर पर कर पा रहे हैं। रिसाव को रोकने के लिए बोरा बीचिंग का कार्य किया जा रहा है। बीटी न्यूज बिहार के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। क्या लग रहा है, बांध सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं, अभी सीपेज हो रहा है तभी लोग आए। सुरक्षित तो नहीं है, 200 फीट काम जो रहा है। काम से खुश हैं? जी काम से खुश तो नहीं है। 200 फीट वहाँ ठकुरबाड़ी भी नहीं बन सका। हमने SDO साहब को भी फोन किया, एडिटिव इंजीनियर साहब को भी कहा, लेकिन कोई काम 200 फीट ऐसे पड़ा हुआ। रात में डर भी लगता है कि बांध टूट जाए? नहीं डर तो नहीं लगता है, अभी उसमें डर नहीं लगता है। करंट वहाँ है ठकुरबाड़ी, ठकुरबाड़ी टोला में करंट। 2007 में बसही में जो विनाश लीला हुआ था, इससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों में दहशत तो रहता होगा। हाँ दहशत तो मतलब था, ये था अभी नहीं, पर साल था। अब यो कह रहा है कि 200 फीट नहीं होते, जो कुछ भी हो सके। ठेकेदार को भी एस्टिमेट मांगा, नहीं दिया ठेकेदार, नहीं जे ही दिए, नहीं दिखाए। हमने मंझौल SDO को फोन किया, सिविल SDO को, वो तुरंत कहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। चंदमौली प्रसाद सिंह, ग्राम पवरा। इसकी वजह हमको लग रहा है कि मैंने जो तटबंध है उससे लगभग 30 से 35 मीटर दूर है NSL पे, तो वहाँ तो लगता है मैंने सीपेज का मामला नहीं हो सकता है। वहाँ जनरल का पाइप भी बिछा हुआ है, तो हो सकता है उसका मामला है। वैसे हमारा हमारी जो यहाँ संवेदक हैं वहाँ पे वेल बना दी है, वेल बन गया है, उसका जो है सीपेज का जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ हो चुका है। मतलब स्पष्ट स्थिति नहीं है कि आपका है या जनरल योजना का? नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। वेल ये जो हमारी संवेदक है वेल बना दी है, यदि सीपेज होगी तो वो जो है वो लेवल, जब दोनों लेवल बराबर होगा तो वो सीपेज कंट्रोल होगा। अभी जो पानी की स्थिति है उसको देख के क्या लगता है, किसी भी संभावना को? नहीं, संभावना भी कुछ नहीं, कॉन्स्टेंट चल रहा है। सुबह जो है मॉर्निंग 6 बजे से अभी तक पानी कॉन्स्टेंट है, बढ़ने की स्थिति नहीं है अभी। अगर लगातार बारिश हो जाए या नेपाल से पानी छूट जाए तब क्या स्थिति होगी? नहीं तो नेपाल में जैसे हम लोग बुलेटिन देखते हैं, लगभग 1 सप्ताह से वहाँ बारिश जो है एकदम नॉमिनल दिखाता है। आज ऐसे 0-0 दिखाया है। सिमरा यहाँ जो है बूढ़ी में सिमरा का पानी, चरपटिया का पानी आता है, वहाँ 0-0 दिखाया गया है अभी बुलेटिन जैसे देखते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम संतोष कुमार। जी सर, ये जो अभी जो स्थिति है पानी के, वो रेड एरिया से ऊपर है या नीचे है? रेड एरिया से ऊपर है अभी, मतलब खतरा बनी हुई है। रेड एरिया से ऊपर है लेकिन खतरा ही कहेंगे ना, रेड एरिया से ऊपर है तो खतरा है, लेकिन ये जो हमारी बांध है, तटबंध है, वो सुरक्षित है। हम लोग निगरानी करते रहते हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम संतोष कुमार, कनीय अभियंता है, शिवरी।